हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बाने गॉसिप में। दिव्या के साथ एक बार फिर से की है बिग बॉस ने नाइंसाफी। आखिरकार किस तरीके से नाइंसाफी की है उन्होंने, चलिए आप लोगों को बताते हैं। पूरी लेटेस्ट अपडेट मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिव्या अग्रवाल पहली बार जब घर के अंदर आनी थी तब अकेली आई, उनका कोई कनेक्शन नहीं था। फिर उसके बाद एक्चुअली में निशांत मिला, फिर निशांत निष्कासित हो गया, फिर अभी फिर अकेली रह गई, फिर कनेक्शन बनाने का फिर दोबारा से चांस आया, किसी ने कनेक्शन नहीं बनाया। निया आई घर के अंदर, वो भी गेस्ट बन के आई, अभी भी वो अकेली है। कभी भी जब गेम खेली जाती है ना उनको संचालक बनाया जाता है ना तो उनको गेम में खिलाया जाता है। अभी फिर दोबारा से लैडर गेम चल रही है जिसके कारण बिग बॉस ने दिव्या को स्पेशली कन्फेशन रूम में बुलाया और चिट्ठी उठवाई और पढ़वाया कि सब घर वालों को बोलो कि ये गेम कौन सी है। दिव्या ने पढ़ के सुनाया, फिर भी जो है दिव्या को ना संचालक बनाया, जो कि एक्चुअली में अभी जो शमिता और राकेश है वो सिर्फ एक ही गेम में बैठे हैं। दिव्या तो कब से बैठी है, बिग बॉस को ये भी सोचना चाहिए कि एटलीस्ट इस गेम का उसको संचालन करने दिया जाए, पर दिव्या को संचालन नहीं करने दिया, शमिता और राकेश को इस गेम में इन्वॉल्व किया है। क्यों भाई, वो कुछ ज्यादा खास है जो कि उनको अकेले बैठे नहीं देख सकते हो, और दिव्या बहुत ज्यादा वर्स्ट है कि उसको घर में आप ऐसे ही लेके आए हो। क्या है दिव्या के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी मेकर्स की, बिग बॉस की, जो कि एक्चुअली में उसको इंपॉर्टेंस ना दे भाई, पर जो चीजें करवाने के लिए लेके आए हो वो तो चीजें करवाओ। क्या है आपके विचार, कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। क्या है ये नाइंसाफी, बिग बॉस ने की है नाइंसाफी दिव्या अग्रवाल के साथ? अगर आपका भी विचार यही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।